हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, कल हमने स्टडी किया था सिंपल इंटरेस्ट। कल जो हमने स्टडी किया था सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? साधारण ब्याज, वो ब्याज जो हम कोई अमाउंट जो लेंड करते हैं या बारो करते हैं उस पे किसी रेट के दर पे, रेट के हिसाब से कितने समय के लिए लेते हैं उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो साधारण ब्याज का मतलब है सिर्फ उसमें प्रति माह जो इंटरेस्ट है वो ऐड किया जाता है, या साल के हिसाब से इंटरेस्ट जो लिया जाता है वो ऐड किया जाता है। लेकिन आज हम इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होगा, इसको हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। हाँ, तो एक क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या हो गया? ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि इसको बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि जो ब्याज के ऊपर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जो ब्याज के ऊपर ब्याज हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, में चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर सपोज कि आपने किसी आदमी से उधार लिया पैसा, तो कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, इट इज द इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल प्लस अकोमुलेटेड इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड। मतलब क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन, कैसे किया जाता है? कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल प्लस यानी कि अकोमुलेटेड इंटरेस्ट फ्रॉम अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट फ्रॉम जो प्रीवियस पीरियड का होगा वो भी, है ना? प्रीवियस पीरियड जो पिछले पीरियड है उसका भी इसमें साथ ऐड किया जाता है। कहने का मतलब यह होगा कि मान लो आपने 1,000 रुपया लिया है, ठीक है, 1,000 आपने बोरो किया है, इसके ऊपर आपने 10% रेट रखा है, और 1 साल के लिए, पहले साल का कितना आएगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, 100 रुपीज आ गया। अब ये जो 100 है इसमें ऐड कर देंगे, ये क्या होगा, 100 1,000 प्लस 100, तो कितना बनेगा? 1,100 रुपये। अब जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट होगा वो इस पे कैलकुलेट किया जाएगा, 1,100, ये फर्स्ट ईयर का था, ये सेकंड ईयर का है, तो इसके लिए 1,100 इंटू 10% ही है, और इंटू सेकंड ईयर, ये कट गया, 0 से 0 कितना आ गया, 110। अब इन दोनों को अब ऐड करेंगे, इस इंटरेस्ट को और इस इंटरेस्ट को, जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 100 210 रुपये। तो ये क्या हो गया आपका, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, यानी कि जो कंपाउंड लग गया वो 10 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ये एक तरीका है, एग्जाम्पल है। तो ये जो स्टार्ट कहां से हुआ, हाउ इट केम इंटू फोर्स, ये जो इंटरेस्ट जो है कहां से शुरू हुआ, इट केम इंटू फोर्स, ये आया, लागू हुआ फ्रॉम इटली इन द 17th सेंचुरी, ठीक है। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट केम फ्रॉम द 17th सेंचुरी इटली, जो 17वीं शताब्दी का इटली था, ये वहां से इसका ओरिजिनेशन हुआ था। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन बी थॉट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये मैंने लिखा है कि इसका मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मीन के इंटरेस्ट को इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो वो आएगा, तो फिर क्या होगा, जो ये इसकी जो ग्रोथ होगी, इट ग्रोज एट फास्ट रेट। ये क्या करता है, इट इज इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट, इट ग्रोस एट फास्टर रेट देन द सिंपल इंटरेस्ट। जो साधारण ब्याज है उससे ये तेजी से बढ़ता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग गया तो वैल्यू हर महीने में उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। और ये जो क्या है, द रेट एट विच कंपाउंडेशन अक्रू डिपेंड करता है ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? द रेट एट विच कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई एक्रूज, जहां से ये आता है वो किस पर डिपेंड करता है? एक्रूज डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, किस पर डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, कि कितने पीरियड के बाद ये कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंडिंग पीरियड्स मतलब क्या रहेगा, क्या हो गया, ये मंथली है, एनुअली है, कैसा है, जिस पे डिपेंड करेगा। तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेट अस डिवाइज अ मेथड, कि आज देखते हैं कि कैसे हम मेथड इसका सॉल्व करते हैं। इसके देर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिकली दो मेथड हैं। पहला मेथड है, अच्छा, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, सॉल्विंग कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? देर आर टू मेथड्स, वन इज फर्स्ट बाय सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकंड बाय यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला, होगा पी इंटू वन प्लस आर की पावर अपॉन हंड्रेड रेज पावर एन। पहला सिंपल इंटरेस्ट आएगा, दूसरा डायरेक्ट आएगा। अब लेट अस डिवाइज एन एग्जांपल, चलो हम एक उदाहरण देते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट से कैसे निकाला जाता है, ठीक है। फिर हम डेरिवेशन करेंगे इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट से कैसे निकाला जाता है, ठीक है, बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट मेथड। इसमें क्या होता है, कहता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 20,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर्स। फाइंड, ये एग्जाम्पल देती है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 20,000 फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर अनम, पर अनम। तो अब इसमें मेथड नहीं बताया, कंपाउंडेड, कंपाउंड से करें कैसे, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए मैंने पहला मेथड यूज किया, इसमें क्या का सॉल्यूशन क्या है, यहां पे पहले आप देखो प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है आपका 20,000, जो मैंने कल बताया था कि जो रुपया हम उधार लेते हैं, या कोई बैंक किसी को लेंड करता है, या कोई मॉर्गेज करने वाला जो बिल्डिंग लेता है, या कोई घर खरीदता है, या जमीन के लिए गिरवी जो मॉर्गेज की जाती है उसके ऊपर जो देने वाला पैसा देने वाला है, वो क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो टाइम फॉर विच मनी इज इन्वेस्टेड, या मान लो किसी में इन्वेस्ट किया है, वो है 3 ईयर्स, इसमें 3 साल का दिया है, 3 साल के बाद। तो रेट क्या है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 10% पर अनम, इनके सालाना 10 रुपये 100 के पीछे लिए जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, है। सो लिखेंगे बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट मेथड, बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट मेथड। पहले क्या लिखाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 20,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर फर्स्ट ईयर कितना बनेगा, देखिए ये क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, हमने कल पढ़ा था। तो ये क्या आएगा, फर्स्ट ईयर के 1 साल है ना, तो पी कितना है 20,000 है, आर कितना है 10% है, टाइम कितना है 1 साल है, डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो से जीरो कट गए तो कितना आ गया 2,000। ये क्या आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना आ गया 2,000 रुपीज। अब अमाउंट कितना बनेगा, इसे हम बनाएंगे अमाउंट, 3 साल का निकाल रहे, देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू, ये कल पढ़ा था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जो आपने पैसा उधार लिया उसमें आप ये पैसा ऐड कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। तो मान ली 20,000 प्लस 2,000 तो बन गया 22,000 रुपी, ठीक है। अब क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर, देयर फॉर सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 22,000 फॉर सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर पे क्या आएगा, फिर वैसे कर दो, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कितना आएगा, प्रिंसिपल कितना है 22,000 है, रेट कितना है आपका वो तो 10% ही है, टाइम कितना है 1 साल है, डिवाइड बाय 100, 2 जीरो कट गए तो अब कितना आएगा 2,200 आएगा, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आपके पास 2,200। कंपाउंड अमाउंट कितना बन गया, फिर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, यानी कि इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। दूसरे साल का कितना है, प्रिंसिपल कितना है 2,200 है, 1,000 है, तो प्लस 2,200 ये ऐड कर दो कितना आएगा, ये अगर 2,000 24,200 रुपये, ये आप आपके पास कौन सा आ गया थर्ड ईयर के लिए, है ना। देयरफॉर ये क्या अमाउंट है सेकंड ईयर का, लेकिन प्रिंसिपल है थर्ड ईयर का, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 24,200 फॉर थर्ड ईयर एट द सेम रेट, वो क्या आएगा, वो भी ऐसे आएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कितना आएगा 24,200 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, ये 2 जीरो कट गए तो कितना आएगा 2,420 रुपये, ठीक है। अब ये अमाउंट कितना बन गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट थर्ड ईयर का, तो ये बेटा प्रिंसिपल आया हमारे पास 24,200 रुपये और इंटरेस्ट आया हमारे पास 2,420 रुपये, तो ये कितना आएगा 24 और 2 26, 24 और 2 26, 4 और 2 6, 26,620 रुपये, यानी कि ये वाला अमाउंट उसको देना पड़ेगा। अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना बन गया टोटल, अब जो इंटरेस्ट है वो देखेंगे हम। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बना, टोटल इंटरेस्ट
फर्स्ट ईयर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर का, वो टोटल बन गया। पहले साल का कितना आया था? 2000 रुपये। दूसरे साल का कितना आया? 2200 रुपीज। और तीसरे साल का कितना है? 2420 रुपीज। तो करो कितना? 0 2 4 2 6 2 2 4 2 6, 6620 रुपये। अब यहां से बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? यह अमाउंट कितना है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है? 26620 रुपये माइनस 20,000, तो ये आया 6620 रुपये। देखो ये टोटल करके भी ऐसे आया, ये भी ऐसे आया। तो ये था फर्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पहला तरीका है कि किस तरह से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सॉल्व करना है। अब हम इसके ऊपर एग्जांपल्स नहीं करेंगे, तो आपको ये पहला मेथड जो है बता दिया मैंने किस तरह से, हाउ टू सॉल्व। आप कोई और भी कर सकते हैं। लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जांपल। चलो एक और उदाहरण देते हैं जो इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, वो कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल नंबर टू, रमन बारोड 8,000 रुपी फ्रॉम ए लैंडलॉर्ड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 years, what is the compound interest and the end amount to be paid after 3 years? तीन साल के बाद कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे? तो अच्छा, तो अभी देखेंगे इसका, तीन साल के बाद कितने रुपए देने पड़ेंगे। लेट्स साल 20, ठीक है। ये भी पहले हम सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड से ही कर रहे हैं। सेकंड मेथड अभी आपको डिडक्शन बताऊंगा, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, कल करेंगे उसकी एग्जाम्पल। इस हालत सॉल्यूशन हेयर, प्रिंसिपल मीन अमाउंट बोरोड कितना है? 8,000 रुपीज। रेट कितना है? 5% पर अनम, पर अनम। एंड टाइम कितना है? 3 years। तो लेट सॉल्व रेट फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है। पहले निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 एट द रेट ऑफ 5% फॉर फर्स्ट ईयर, कितना बनेगा? PRT, अपॉन 100। तो ये क्या है? पी कितना है? 8,000। रेट कितना है? 5 पहले साल का, 1 और 2 0 कट गए, कितना है? 8 5 40, 400 रुपये। कितना आएगा? 400 रुपये। इसी तरह ये अब क्या बनेगा? अमाउंट बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम? प्रिंसिपल में ये जो हमारा प्रिंसिपल, इसमें ये इंटरेस्ट ऐड कर दें, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो क्या बना? 8,000 प्लस 400, ये बन गया 8,400 रुपये। ये क्या है? दिस इज द प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर। अमाउंट फर्स्ट जो बना वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे हम? सो इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 फॉर एट द रेट ऑफ 5% फॉर सेकंड ईयर,
ये क्या बनेगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो कितना है पी, कितना है 8400, आर कितना है 5%, टी कितना है 1/100। अब ये दोनों जीरो कट जाएंगे, करो इसको मल्टीप्लाई, 5 × 20, 5 × 40 और 1 41, इनके 410 रुपये। अब इसी को फिर दोबारा इसमें हम ऐड करें, सॉरी 420 रुपये, 5 × 20, 5 × 40 और 2 42 होते हैं। देयरफॉर अमाउंट क्या बना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 8400 रुपीज, इंटरेस्ट कितना है 420 रुपये, तो कितना बन गया 8820 रुपये। ये आ गया आपका प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, ये आपका जो प्रिंसिपल है वो थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, नो लेट्स फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है, अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8820 एट द रेट ऑफ 5% फॉर थर्ड ईयर, वो क्या बनेगा, वो भी ऐसे पी आर टी अपॉन 100, 8820 इंटू 5 इंटू 1/100। ये जीरो से जीरो कट गया, 5 × 5 = 10, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 4 × 4 = 1, कितना आया 441 रुपये। अब ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्या बना 8820 प्लस 441 रुपये, कितना बना 9 × 1 = 1462 रुपये। ये क्या बन गया, हमने इतना अमाउंट देना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, देयरफॉर सी आई इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल, या तो इन सबको जोड़ लो, 441, 400 और 420, चारों को ऐड कर लो, या तो ऐसे कर दो, वो क्या होगा 400, पहले का 400 प्लस 420 प्लस 421, तो कितना है 1261 रुपये, ऐसे भी आएगा। नहीं तो आप क्या करोगे, इस अमाउंट में से माइनस प्रिंसिपल कर दो, यानी कि 1261 में से 8000 माइनस कर दो आर। अभी लिखता हूं आर, यू कैन आल्सो आर, हम लिख सकते हैं ऐसे आर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया 9261 रुपये माइनस 8000 रुपये, तो कितना मेरा 1261। ये है आपका मेथड जो मैंने बताया फर्स्ट मेथड से। अब हमने क्या करना है कि हाउ टू ड्राइव द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट, डिडक्शन ऑफ फार्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। आज फार्मूला करेंगे, क्वेश्चन हम उसके कल करेंगे। ठीक है, ये जो हमने दो एग्जांपल्स किए हैं प्रिंसिपल के ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर निकाली है। सिंपल इंटरेस्ट जो बार बार आता जाएगा उसके अंदर ऐड करोगे प्रिंसिपल में, तो अमाउंट बनता जाएगा, वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बनता जाएगा। इसी तरह जो पैसा है जो उधार लिया जाता है, द मनी दैट इज बोरोड कंपाउंडेड, दैट इज वाई द पीपल आर अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बैंक लोन, वो अदा कर ही नहीं पाते। इफ उनकी जो इंस्टॉलमेंट जो ईएमआई है अगर छूट जाती है, देन इट बिकम्स वेरी टफ फॉर दैट पर्सन टू रीपे द अमाउंट, बिकॉज अमाउंट इज बीइंग एडेड एनुअल कंटिन्यूसली। अमाउंट के ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ऐड किया जाता है, प्रिंसिपल वहीं का वहीं पड़ा रहता है। यही कारण है कि बैंकिंग सेक्टर से जो लोन लिया होता है वो कभी कवर नहीं होता। नो लेट्स मूव टू द फार्मूला। डिडक्शन ऑफ फार्मूला फॉर
कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई। तो सी आई किस लिए स्टैंड करता है बेटे? ये स्टैंड करता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो हम क्या करेंगे, और मान लेते हैं पी इज द प्रिंसिपल, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी इज द टाइम। प्रूफ, लेट पी बी द प्रिंसिपल, आर द रेट रेट एंड टी फॉर टी द टाइम। देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा फर्स्ट ईयर का, होगा पी इंटू आर इंटू टी कितना 1/100, तो यह आएगा पी आर अपान 100। अब ये जब प्रिंसिपल है पी आर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें लग गया, पी आर अपान 100 है। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसमें, इस प्रिंसिपल में, इसमें। देयरफॉर अमाउंट फॉर सेकंड ईयर इज इक्वल टू पी प्लस पी आर अपान 100। तो यहां से पी कॉमन ले लेंगे, पी कॉमन 1 + r/100, इसकी पावर क्या आएगी 1 आएगी, ठीक, ये फर्स्ट आ गया। अगेन इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर क्या बनेगा, दिस इज द प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट फॉर सेकंड, अमाउंट जो है अमाउंट है, अमाउंट कितना बना फॉर फर्स्ट ईयर, ये पहले साल का अमाउंट कितना बन गया ये, तो इट एक्ट एज ए प्रिंसिपल फॉर द सेकंड अमाउंट सेकंड ईयर के लिए। तो अगेन इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, अब ये प्रिंसिपल आएगा इसके लिए, तो प्रिंसिपल 1 + r/100 इंटू आर इंटू टी 1/100, सॉरी हाँ अपॉन 100। तो ये क्या बन गया, ये पी आर इंटू 1 + r/100 अपॉन 100, ये सेकंड हाफ, ठीक है। अब अमाउंट क्या बनेगा थर्ड ईयर के लिए, ये प्रिंसिपल प्लस ये सिंपल इंटरेस्ट, देयरफॉर अमाउंट जो है क्या बन गया, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो आया है। प्रिंसिपल हमारे पास अब ये वाला है पी इंटू 1 + r/100 प्लस ये आएगा पी आर अपान 100 इंटू 1 + r/100। अब देखो यहां पे क्या है, पी इंटू 1 + r/100 और पी है इंटू आर प्लस 1/100, ये काम ले लो पी इंटू 1 + r/100। जब यहां से हमने काम ले लिया, यहां पे क्या बच गया एक, इसकी जगह 1 बच गया 1 प्लस, यहां से क्या क्या काम ले लिया ये देखिए, आपको डिवाइस करके बता देता हूं मैं। जब हमने इसको बाहर ले लिया तो यहां पे क्या बच गया 1, ठीक है। अब जब यहां से हमने ये वाला बाहर ले लिया तो यहां पे क्या बच गया r प्लस 100, क्या बचेगा r अपॉन 100। तो ये क्या बन गया p इंटू 1 + r/100। अब क्या है a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया 2, ठीक है, ये बन गया 2। अब हम इसी तरह से क्या करेंगे, सिमिलरली इंटरेस्ट फॉर द nth ईयर, nth ईयर के लिए क्या इंटरेस्ट होगा, तो वो यहां पे क्या करेंगे, p इंटू 1 + r/100 की पावर n आ जाएगा। तो ये क्या आएगा अमाउंट,
ये क्या है, अमाउंट था, ठीक है। तो अब अमाउंट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसी पर होगा, देयर फॉर सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना ये आ गया, पी इंटू वन प्लस आर पान हंड्रेड की पावर एन माइनस पी, विच इज अ रिक्वायर्ड। ये क्या आ गया आपका, विच इज रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो ये जो फार्मूला है ये आपको यूज करना है, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर फाइंडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द अमाउंट। तो इसी तरह से हम कल इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हमने सवाल जो है निकालने हैं, ठीक है। तो फिर हम उस पर एग्जाम्पल दे देंगे, तो अगर आप करना चाहते हो तो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो फाइंड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,600 फॉर 2 ईयर्स एट 10% कंपाउंड एनुअली। फॉर एग्जाम्पल फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,600 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। सॉल्यूशन हेयर पी कितना है, 12,600 रुपए। आर कितना है, 10%। टी कितना है, 2 ईयर्स। तो वहां पे क्या लिखा मैंने, एन। तो एन मीन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। देयरफॉर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड टाइम टी माइनस पी। तो ये एन लिख सकते हैं, यहां पे एन भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, 12,600 इंटू वन प्लस टेन अपॉन हंड्रेड। तो कितना आएगा, 2 माइनस 12,600। तो कितना है, 12,600 10 की पावर 2 माइनस 12,600 इंटू 11/10 माइनस 12,600 दोनों जीरो इससे काट दो, इसको मल्टीप्लाई करो, 11 11 121 126 इंटू 121 कितना आएगा, 126 252 6 12 2 4 5 1 और फिर 126 ऐड करो, 6 2 2 4 6 5 11 1 12 2 2 4 और 1 14,246 रुपये। 14,246 माइनस 12,600 हाँ 6 का 6 4 का 4 12 में से 6 के 6 और 3 में से 2 के 1 1,646 रुपये इसको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड। इसके बाद अभी इसमें कल जो पढ़ेंगे, एक होता है ये एनुअली, फिर कभी हाफ ईयरली करते हैं तो उस वक्त हम कैसे सवाल को हल करते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है ये मैंने स्टार्ट किया था कल, तो मैंने चाहा था अभी एक लेक्चर और कल का दिन भी आपको 8th को ही दूंगा ताकि आपका एक लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट हफ्ते में आपका नया स्टार्ट करेंगे टॉपिक, तो उसको भी इस तरह से कंप्लीट करके फिर ही छोड़ेंगे। ये प्राइमरी डिपार्टमेंट से लेके 8th तक है, मोस्ट प्रॉबली ये 8th क्लास में है, छोटी में नहीं है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट है छोटी में। अभी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, ठीक है, डिस्काउंट की बात करेंगे, वो कल बाद में स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ मैं शायद आपको अच्छी समझ आ गई हो, कवर कर पाएंगे, और थोड़ा सा इसको गो थ्रू होना है
रेगुलरली थारोली, जब तक आप थारोली इस पे नहीं लेंगे तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो ये कई बार हमें कहना पड़ता है कि ये भाई देखिए, आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको खुद आपका अपना काम है, तो प्लीज एक्ट अपॉन माई एडवाइस, गो थ्रू इट प्रॉपरली थारोली एंड प्रैक्टिस। तो बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस जो मैथमेटिक्स के लिए बहुत अनिवार्य है, प्रैक्टिस के बिना आप मैथ नहीं सीख सकते हो। तो विद द गुड होप, थैंक यू, प्लीज जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोस। आपका लाइक एक बहुत ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। ओके।